नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं एक अमेरिकन एसयूवी के सामने जिसका नाम है जीप रैंगलर अनलिमिटेड, या आप जीप जीके बोल सकते हैं इसको। डीजल की कीमत है 60 लाख रुपए और पेट्रोल की कीमत है 61 लाख रुपीज़। और ये आप पेट्रोल मॉडल देख रहे हैं, दोनों वेरिएंट्स में आपको फोर व्हील ड्राइव मिलेगा। और ये फॉग लैम्प्स और हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलेंगी। ये सिल्वर कलर है, रेड, ब्लैक, ग्रेनाइट, वाइट और राइनो कलर का भी ऑप्शन है। 1986 में लॉन्च हुई थी रैंगलर, और तब से ये अब ये थर्ड जनरेशन में है। इसी जनरेशन में फोर डोर मॉडल लॉन्च हुआ था, इससे पहले सिर्फ टू डोर में आती थी रैंगलर। वर्ल्ड वॉर टू की विलीज एमबी से हल्का फुल्का रिलेशन है रैंगलर का। फोर डोर मॉडल को रैंगलर अनलिमिटेड बोलते हैं और टू डोर मॉडल को सिर्फ रैंगलर बोलेंगे। इंडिया में सिर्फ फोर डोर अनलिमिटेड मॉडल ही अवेलेबल है। और ये हैं 17 इंच के मोएब एल्यूमिनियम सिल्वर एलॉय व्हील्स। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे, दो एयरबैग्स, डाना के फ्रंट और रियर एक्सेल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन गैस शॉक्स के साथ, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन और सेंट्री की एंटी थेफ्ट इंजन इमोबलाइजर आपको मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी बैजिंग्स दी गई हैं, डोर पे हुक्स हैं। और ये पीछे पैसेंजर साइड डोर का लुक, नीचे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। और ये वाटर रेजिस्टेंट डोर है लगभग। और ये हैं मैक किनले की लेदर सीट्स, डार्क सैडल का भी ऑप्शन आपको मिलता है। फाइव सीटर रैंगलर का इंटीरियर आप पानी से भी धो सकते हैं, और अंदर ड्रेनेज प्लग भी है, अगर पानी भर जाता है तो उस प्लग को आप निकाल के आप पानी बाहर निकल आएगा। और ये यहाँ पर नीचे आपको दो ग्लास होल्डर्स मिलते हैं। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड, हैंडल बार मिलता है डैशबोर्ड पे, और लगभग वाटर रेजिस्टेंट ही है फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड। और ये यहाँ पर हुक्स दिए गए हैं ऊपर की रूफ को खोलने के लिए। और ये है फ्यूल लिड, और ये आप देख रहे हैं ब्लैक फ्रीडम टॉप हार्ड टॉप। इसको हटाने के बाद अंदर से प्रीमियम ब्लैक सनराइडर सॉफ्ट टॉप लग जाएगा, कन्वर्टेबल बन जाएगी। मोपार एक्सेसरीज़ के अंदर रैंगलर के लिए ब्लैक आउटडोर क्रोम और प्रोटेक्शन पैक्स अवेलेबल हैं। पैसा है तो आप ये एक्सेसरीज लगवा सकते हैं मोपार की। फुल फ्रेम्ड रिमूवेबल डोर्स आपको मिलते हैं, तो ये सब डोर्स और रूफ्स आप हटा सकते हैं कार की, कन्वर्टेबल बन जाएगी। आइए अब पीछे का डोर खोल कर देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलती है 884 लीटर की बूट स्पेस, पहले से यूज़ करी हुई है तो काफ़ी बड़ी स्पेस है अंदर। और पीछे की सीट फोल्ड कर देंगे तो 1980 लीटर की स्पेस बन जाएगी। और ये है एल्पाइन प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑल वेदर सबवूफर के साथ, साथ में टूल किट भी आपको मिलेगी। इसको आप बंद कर देते हैं। और ये लेदर सीट्स, और ये ऊपर की यहाँ पर रूफ, स्टील रूफ है ये। और यहाँ पर पीछे पैनल फ्रीडम पैनल स्टोरेज बैग है, और साथ में आपको सनराइडर सॉफ्ट टॉप भी है, तो ये पूरा ही ऐसा ऊपर निकल जाएगा और ये कवर कर लेगा रैंगलर को ऊपर से रूफ हटाने के बाद। और ये फ्रंट का डैशबोर्ड, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है ये रूफ मुझे। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं। यहाँ पर भी नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है, और आपको फ्रंट में मिलती हैं हीटेड सीट्स, और ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील ऑडियो और स्पीड कंट्रोल के साथ। और ये हीटेड सीट्स, बकेट सीट्स।
आइए अब अंदर चलते हैं। आर्मरेस्ट को उठाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी स्पेस मिलती है, पहले से ही यूटिलाइज करी हुई है स्पेस। और इसको भी आप यहाँ से कवर लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पर दो ग्लास होल्डर दिए गए हैं। और ये है 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ। और ये है ट्रांसफ़र केस, कमांड ट्रैक शिफ्ट ऑन द फ्लाई, पार्ट टाइम 4-wheel ड्राइव के साथ। और ये है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC। और ये काफ़ी कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। और ये है यू कनेक्ट 735N इन्फोटेनमेंट टच स्क्रीन। और ये वैनिटी मिरर्स, लाइट नहीं मिलेगी। हैंडल बार है यहाँ पर डैशबोर्ड पे। और ये GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB ऑक्स, 40 GB की हार्ड ड्राइव, व्हीकल इंफॉर्मेशन और टायर प्रेशर दिखाएगा। और ये ग्लो बॉक्स के अंदर काफ़ी स्पेस दी गई है। और ये रूफ़ खोलने के कंट्रोल्स हैं ऑटोमेटिक, यहीं से आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। और ये क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। और ये फ्रंट लाइट के कंट्रोल्स हैं। और ये हैं वाइपर के कंट्रोल्स। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 डायल्स आपको मिलेंगे, साथ में डिजिटल डिस्प्ले भी है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है डैशबोर्ड के ऊपर। ये अल्पाइन के स्पीकर्स, ऑल वेदर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ये सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर रूफ़ को खोलने के लिए। और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, इस पर अभी कवर लगा हुआ है। वैनिटी मिरर आपको मिलेगा ड्राइवर साइड भी। और ये पीछे की ऐसी सीट्स दिखती हैं, 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं। तो यहाँ पर बीच में आपको कीज़ डालनी पड़ेंगी जीप के लोगों के सामने। तो यहाँ पर इस टाइप से हुक से को ओपन करके खुलता है फ्रंट का बोनेट। तो ये है 3600 cc पेंटा स्टार V6 पेट्रोल इंजन, 284 PS पावर है, 347 Nm का टॉर्क है, 8 का एवरेज आपको मिलेगा 85 लीटर के फ्यूल टैंक से, और एक लगभग 175 की टॉप स्पीड है। डीजल में आपको 4 सिलेंडर 2800 cc CRD टर्बो इंजन मिलेगा, जिसकी है 200 PS पावर और 460 Nm का टॉर्क। उसमें आपको 12 का एवरेज मिलेगा। ये अब इसको क्लोज कर देते हैं। से आप कीज़ निकालेंगे और साइड में इन हुक्स को आपको लगाना पड़ेगा, टिपिकल जीप स्टाइल है ये। दो 2119 किलो का कर्व वेट है जीप रैंगलर का, 2 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है जीप द्वारा रैंगलर में। और ये अंडर बॉडी, तो ये पूरी ऊपर की रूफ़ आप हटा सकते हैं, डोर्स भी आप हटा सकते हैं, तो पूरी गाड़ी कन्वर्टेबल बन जाएगी। तो अगर आप चाहें
तो आप सारे डोर्स और रूफ़ को हटाकर भी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट टॉप लगा सकते हैं। हर चीज़ रिमूवेबल है रेंगलर में। ये पीछे सॉफ्ट टॉप है। तो कैसी लगी आपको जीप रेंगलर, हमें कमेंट्स में बताइए। सॉफ्ट टॉप यूज़ करेंगे या हार्ड टॉप या फिर ओपन यूज़ करेंगे, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।